नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन पाकिस्तान मिलकर भारत से जुड़े विवादित क्षेत्रों पर किसी न किसी तरह की हिमाकत कर रहे हैं, जिसका भारत माकूल जवाब भी दे रहा है। लेकिन इस बीच अब चीन और पाकिस्तान मिलकर अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हजारों करोड़ का रेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसे इलाके से निकलता है जिसे लेकर भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद होते रहते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित खबर के अनुसार चीन और पाकिस्तान मिलकर 6.8 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 50,980 करोड़ रुपए का रेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बीजिंग और इस्लामाबाद ने मिलकर थाकोट से हवेलिया तक 118 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। ये एक बड़ी सड़क परियोजना का छोटा हिस्सा है। ये सड़क पाकिस्तान के इस्लामाबाद से चीन के शिनजियांग इलाके के काशगर तक जाएगी। ये नई सड़क जम्मू कश्मीर से सटे विवादित क्षेत्र के बगल से निकलेगी। एक बार सड़क पूरी हो गई तो इससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर सीधी नज़र रखने की सहूलियत मिलेगी। इस्लामाबाद से काशनगर तक जाने वाले इस हाईवे का नाम फ्रेंडशिप हाईवे है। इस हाईवे की वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत के कई रणनीतिक हिस्सों पर नज़र तो रख ही पाएंगे, साथ ही आपसी परिवहन के रास्ते खोल देंगे। शंघाई म्यूनिसिपल सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के एक्सपर्ट वांग देहुआ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के इन यातायात प्रोजेक्ट्स की वजह से भारत में थोड़ी बेचैनी है। वांग कहते हैं कि इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है भारत के रणनीतिक इलाके, जो इस हाईवे से आसानी से निशाने पर लिए जा सकते हैं। वांग ने कहा कि पहले इन तीनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा नहीं था, पहले ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए ही मुद्दा था, लेकिन अब ये भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के लिए एक मुद्दा बन गया है। लद्दाख को लेकर चीन के दावे पर भारत की तरफ से कई बार बड़े कदम उठाए गए हैं। भारत चीन से भी चिंतित है। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में कश्मीर के नक्शों को दो हिस्सों में बांट दिया था। उत्तरी हिस्सा लद्दाख राज्य बना और दक्षिणी हिस्सा जम्मू कश्मीर। भारत के इस कदम से पाकिस्तान और चीन दोनों ही बौखला गए थे, क्योंकि दोनों ही इन दोनों राज्यों के हिस्सों पर अपना दावा जताते आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।